कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम न्यूट्रिशन जैसा सब्जेक्ट देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर, जिसमें हमने पहले जो लेक्चर था, पहला वीडियो था, जिसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन और कुछ डेफिनेशन, जो डिफाइन द वर्ड इज ऑलवेज आस्क इन द जीएनसी एग्जामिनेशन, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का हमने जिक्र किया। आगे पहले यूनिट में कुछ वर्ड्स है जो डिफाइन द वर्ड्स में कहीं कहीं पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है एसेंशियल न्यूट्रिएंट। एज यू नो देर आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन द फूड एंड हाउ वी डिफाइन द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। द न्यूट्रिएंट विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी बट इट मस्ट बी सप्लाइड बाय डाइट ओनली इट नॉन एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी में नहीं बनते, सिंथेसाइज नहीं होते, जो बाहर से हमें उसको लेना पड़ता है, बाहर से सप्लाई करना पड़ता है, मीन्स हमें फूड में लेना पड़ता है, ऐसे जो न्यूट्रिएंट है उसको हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो जिसे ये डिफाइन करना है, द न्यूट्रिएंट विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी इट मस्ट बी सप्लाइड बाय डाइट ओनली, जो खुराक में से ही मिलता है उसको हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सम विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो वी कैन राइट विच वे दैट द न्यूट्रिएंट विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन अवर बॉडी इट मस्ट बी सप्लाइड बाय डाइट ओनली नॉन एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट, फॉर एग्जांपल भी लिखना है। देन अदर डेफिनेशन इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन डेफिनेशन ऑल्सो आस्क सो मेनी टाइम इन द एग्जामिनेशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ और इम्बेलेंस इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड कैलोरी इन द बॉडी। माल न्यूट्रिशन किसको कहा जाता है? एक तो इनसफिशिएंसी होती है न्यूट्रिएंट की, एसेंशियल न्यूट्रिएंट की, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट का इम्बेलेंस होता है, न्यूट्रिएंट एंड कैलोरी बोथ, बॉडी में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट और कैलोरी की इम्बेलेंस और डेफिशिएंसी होती है, इसको हम माल न्यूट्रिशन से जाने जाते हैं। इट मे बी अंडर न्यूट्रिशन और इट मे बी ओवर न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन की कमी से भी होता है और ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, फैटी बॉडी, ओबेसिटी होती है, तो उसको भी हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ओबेज को माल न्यूट्रिशन नहीं बोला जाता, उसको भी हम ओवर न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, माल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड कैलोरीज और इम्बेलेंस इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड कैलोरी, दैट्स नॉन एज ए माल न्यूट्रिशन। देन एनर्जी, वी हैव हर्ड सो मेनी टाइम दिस वर्ड एनर्जी एनर्जी एनर्जी। तो व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? एंड इट इज वेरी शॉर्ट डेफिनेशन। एनर्जी, एनर्जी मीन्स कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, दैट्स कॉल्ड एनर्जी। अवर कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, दैट्स कॉल्ड एनर्जी। देन कैलोरी, कैलोरी मीन्स required to raise 1 centigrade body temperature, that's called calorie. Required heat to raise 1 centigrade of body temperature, that's called calorie. अपना शरीर का तापमान है, जो टेम्परेचर है, उसको 1 centigrade बढ़ाने में जितनी शक्ति, जितनी हम हीट यूज करते हैं, उसको हम कैलोरी बोलते हैं। तो कैलोरी सब में से अलग अलग मिलती है,
फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड 4 कैलोरी एंड 1 ग्राम फैट प्रोवाइड 9 कैलोरी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कई बार फिल द ब्लैंक में ये पूछे जाने वाले सब प्रश्न है। हाउ मेनी कैलोरी गिव्स कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव्स ब्लैंक 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 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन गिव्स ब्लैंक कैलोरी, 1 ग्राम फैट गिव्स ब्लैंक कैलोरी। सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर द फिल इन द ब्लैंक। देन अदर अवर डेफिनेशन इज द मेटाबोलिज्म। इट इज ऑल्सो शॉर्ट डेफिनेशन। मेटाबोलिज्म इज ए सम टोटल ऑफ बिल्डिंग अप रिएक्शन प्लस ब्रेकडाउन रिएक्शन। तो जो खुराक हम खाते हैं उसको लेने में, बिल्ड करने में और उसका ब्रेकडाउन करने में, दोनों की जो स्थिति है, दोनों का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम मेटाबोलिज्म कहते हैं। वो चयापचन ऐसा बोलते हैं। तो एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म इज इक्वल टू मेटाबोलिज्म। ये भी आपको याद रखना है। मेटाबोलिज्म किसको कहा जाता है? तो मेटाबोलिज्म मीन्स सम टोटल ऑफ बिल्डअप रिएक्शन प्लस ब्रेकडाउन रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड द मेटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म इज इक्वल टू मेटाबोलिज्म। देन मेटाबोलिक रेट। मेटाबोलिक रेट मीन्स द मेटाबोलिक रेट मीन्स रेट एट विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम सेल। जो सेल में से एनर्जी रिलीज होने का परसेंटेज होता है, रेट होता है, इसको मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। हर सेल कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। जो एनर्जी रिलीज करने का सेल का रेट है उसको हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो इसको कैसे लिखा जाता है? तो मेटाबॉलिक रेट मीन्स द रेट एट विच एनर्जी इज रिलीज बाय सेल। देन BMR, सो मेनी टाइम्स आस्क BMR इन द क्वेश्चन पेपर। BMR का फुल फॉर्म भी याद रहना चाहिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इसकी भी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। BMR मींस बेसल मेटाबॉलिक रेट मींस एनर्जी कंज्यूम व्हाइल रेस्ट कंडीशन ऑफ द बॉडी। एनर्जी कंज्यूम व्हाइल रेस्ट कंडीशन ऑफ द बॉडी। अपना शरीर जब रेस्ट में हो तब जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसको हम, ये रेट को हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। हमारे शरीर में जब हम रेस्ट की पोजीशन में होते हैं तो कौन से ऑर्गन ये एनर्जी कंजप्शन करता है, ये एनर्जी का यूज करता है? जैसे वाइटल ऑर्गन्स, यू नो वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, दैट्स कॉल्ड वाइटल ऑर्गन्स। तो हम इस डेफिनेशन इस तरह भी दे सकते हैं कि बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लिवर, लंग्स, ब्रेन, रेस्ट के समय जो एनर्जी का कंजप्शन करता है, जो एनर्जी का यूज करते हैं, उसके रेट को हम BMR मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो ये BMR मीन्स एनर्जी कंज्यूम व्हाइल रेस्ट कंडीशन, रेस्ट कंडीशन ऑफ बॉडी। इट यूज द वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स एंड ब्रेन। BMR मीन्स रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट, उसको रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट कहते हैं। जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तब जो ये जो एनर्जी का यूज होता है, कंजप्शन होता है, तो उसको हम BMR बोलते हैं। तो उसको रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी कहते हैं। BMR इज ऑलवेज डिफरेंट टू इंडिविजुअल। हर एक का BMR अलग अलग होता है। जैसे एवरेज BMR की बात की जाए तो मेल में एवरेज BMR 7100 किलोग्राम पर डे है और फीमेल में उसका 5900 किलोग्राम केजी कैलोरी पर डे है।
तो ये बीएमआर नॉर्मल बीएमआर है और एवरेज बीएमआर। तो बी आई थिंक यू मस्ट हैव टू लर्न द बीएमआर, डिफाइन द वर्ड बीए ऑफ बीएमआर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। दो बीएमआर मीन्स एनर्जी कंज्यूम वाइल रेस्ट कंडीशन ऑफ द बॉडी। विच ऑर्गन्स आर एनर्जी कंज्यूम वाइल विच रेस्ट कंडीशन ऑफ द बॉडी। सो वी हैव टू गिव आंसर दैट द हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स एंड ब्रेन्स आर कंज्यूम द एनर्जी वाइल रेस्ट कंडीशन ऑफ द बॉडी एंड दैट्स कॉल्ड बीएमआर। अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड, ऐसी भी जो शॉर्ट नोट डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। अप्रोक्सीमेट, तो व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोक्सीमेट? द न्यूट्रिएंट लाइक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेबल इन एनिमल आर नोन एज अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड बोला जाता है। जो विटामिन्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल यानी कि वनस्पति जन्य जो फूड्स होते हैं और जो प्राणी जन्य फूड होते हैं, इसमें से प्रोवाइड होती है, प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड बोलते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इसको अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड कहते हैं। जो जो न्यूट्रिएंट है, जो वेजिटेबल और एनिमल्स न्यूट्रिएंट से जाने जाते हैं, इसको हम जिसमें से हमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, तो उसको हम अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये न्यूट्रिशनल कंजप्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये एज यू नो और हमने डिस्कस कर लिया है, वाटर 63%, अबाउट 63%, फैट अबाउट 12%, प्रोटीन अबाउट 70%, मिनरल्स अबाउट 7% एंड कार्बोहाइड्रेट अबाउट 1%। तो ये भी हमें याद रखना है कितना कंजप्शन हमारी बॉडी करती है। और आगे का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिशन टू द हेल्थ। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगे का वीडियो में हम ये क्वेश्चन का जिक्र करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू गेट सम न्यू इन द वीडियो, देन यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी कॉमेंट, प्लीज राइट इन द कॉमेंट बॉक्स। आफ्टर कॉमेंट बॉक्स वी हैव टू इम्प्रूव अवर वीडियोज एंड वी हैव टू गिव आंसर टू योर क्वेरी। सो थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।